गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि AFO स्कूल के अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, किस तरह फॉर्म फिल किया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप लोगों ने कहीं पे भी AFO स्कूल का फॉर्म फिल किया है ऑल ओवर इंडिया, आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके। क्योंकि जब मैं AFO स्कूल का मैंने फॉर्म फिल किया था आज से 3 साल पहले, तब मेरे पास मुझे कुछ भी नहीं पता लगा था। येस, एक इंटरव्यू ज़रूर मैंने यूट्यूब पर देखा था, बट इतनी ज़्यादा खास हेल्प नहीं मिल पाई थी, मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चन भी नहीं मिल पाए थे। और बात करूँ क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो वो भी कहीं पे भी पता नहीं लग पाए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। एंड कोई भी सिलेबस भी नहीं दिया गया था AFO स्कूल का, जबकि हम देखते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के फिर भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं यूट्यूब पे, पर AFO का आप लोगों ने कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा होगा। तो आजकल आपको पता है कि आजकल क्या, हर साल जो AFO स्कूल होता है, हर स्कूल इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हर साल निकलती रहती हैं, परमानेंट पोस्ट बहुत कम निकलती है। और मेरा परमानेंट पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था, बट आपको पता है मैंने आप लोगों को अपनी पहले की वीडियोस में बताया था कि परमानेंट पोस्ट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी मैंने वहाँ पे क्यों ज्वाइन नहीं किया था, क्या रीज़न था। क्योंकि परमानेंट पोस्ट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ऑफर कर रहे थे, जिसके लिए मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क नहीं करूँगी। सो मेरा इंटरव्यू जो था शुभ्रतो पार्क में हुआ था, दिल्ली के अंदर। दो स्कूल इनके शुभ्रतो पार्क में हैं और एक स्कूल इनका लोधी रोड में है। हमारा रिटर्न एग्ज़ाम, अगर आप लोगों ने भी रिटर्न एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, तो वो लोधी रोड में ही जनरली इसका सेंटर पड़ता है, एग्ज़ाम सेंटर। और जो आपका इंटरव्यू होते हैं वो शुभ्रतो पार्क में होते हैं, और इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छे खासे कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है AFO स्कूल का, वो यही होता है कि आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ता है इसमें। और पहला स्टेप भी वही होता है, क्योंकि हम काफ़ी सारे डिमांड ड्राफ्ट लगा के, काफ़ी पैसे लगा के AFO स्कूल का फॉर्म भरते हैं, बट इसमें ये गारंटी नहीं होती कि आप लोगों को कॉल आएगी या आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट होगा। तो पहले तो आपकी सारी डिटेल्स वगैरह चेक की जाती हैं, आपके सर्टिफिकेट्स सारे लगते हैं उसमें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगते हैं, क्वालिफिकेशन लगते हैं, और हर एक चीज़ का यहाँ पे पॉइंट सिस्टम होता है। उसके हिसाब से ये आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं फॉर द रिटर्न टेस्ट। तो अगर आपने पहला स्टेप पार कर लिया, तो दूसरा स्टेप आपका रिटर्न टेस्ट होता है, और रिटर्न टेस्ट भी अच्छे खासे लेवल का आता है, 12th तक के। अगर आप, मैंने जैसे TGT केमिस्ट्री का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो TGT केमिस्ट्री के लिए जो थे 12th तक के क्वेश्चंस आ रखे थे, 10th तक के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आया था, और 11th 12th से सिर्फ केमिस्ट्री आया था। तो मेरा ठीक ठाक सा एग्ज़ाम हो गया था। येस, मैंने मेहनत बहुत करी थी जब मुझे पता लगा था कि शॉर्टलिस्ट हो गया है मेरा फॉर रिटर्न टेस्ट। तो 10-12 दिन मैंने बहुत मेहनत करी थी, 10th तक का तो फिर भी सिलेबस आता ही था मुझे, बट 11th 12th में मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था। तो उसमें मेरा रिटर्न एग्ज़ाम जो था, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम में सिर्फ साइंस नहीं थी, आपने अगर BEd किया है या DLEd किया है, NTT किया है, उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी सारे क्वेश्चंस थे, पेडागॉजी के क्वेश्चंस थे, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे, आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी के थे, मेथड्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन थे, आपका न्यू NEP जो है वो उसके स्ट्रक्चर थे, हमारा न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा RTI जो राइट टू एजुकेशन है, RTE वो कब आया था, और काफ़ी सारे आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप लोगों को GK भी अपनी स्ट्रॉन्ग करके जानी है, अपना BEd, BTC, NTT जो भी टीचिंग कोर्स किया है वो करके जाना है, और अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। रिटर्न टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है रिटर्न टेस्ट में। फिर ये मान लो जी, अगर आप 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये 700-800 को ही मौका देते हैं रिटर्न टेस्ट देने का, और 700-800 में से, या मैं 700-800 से भी कम बोलूँ तो 500 को ही मौका देते हैं रिटर्न टेस्ट देने का। और 500 के बाद अगर पोस्ट ही कम होती है, एक पोस्ट के लिए सिर्फ 10 या 12 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं फॉर द इंटरव्यू। तो अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो बहुत अच्छी बात है, वॉक इन इंटरव्यू में आप लोगों का रिटर्न टेस्ट वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। तो आप लोगों का अगर 26 सितंबर को इंटरव्यू है AFO स्कूल के अंदर, तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस किए गए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या थे। तो सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, आप वहाँ एंटर करेंगे, मे आई कम इन सर मैम बोलेंगे। मेरे टाइम में वहाँ पे 7 जने थे, एक तो तीनों AFO स्कूल के प्रिंसिपल्स थी, वहाँ पे कमांडर इन चीफ थे जो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, और एक पर्सन था जो सिर्फ मेरे रिस्पॉन्स को नोट डाउन कर रहे थे। तो 7-8 जने थे इंटरव्यू रूम के अंदर, तो नर्वसनेस तो होती है, बट मैंने सोचा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रही थी तो मुझे डर नहीं था, मैंने सोचा था कि डर के आगे जीत है, मैं डरूंगी नहीं, मैं कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू दूंगी। तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है,
सेकेंडली आपसे ये पूछा जाता है कि आप इधर रहते हैं, आपको ये दूर पड़ेगा, मुझसे जो पूछा गया था, आप कैसे रेगुलर आएंगे? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, कमांडर इन चीफ ने ये क्वेश्चन किया था, जनरली लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं, पर थोड़े टाइम के बाद फिर क्या होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि इतने दूर से रोज़ आना पड़ रहा है, फिर बीच में क्विट कर देते हैं जॉब। मैंने कहा था कि अगर मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी, मुझे सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी गवर्नमेंट वाली, तो डेफिनेटली आई विल एडजस्ट, या मैं यहीं पे कहीं पे रेंट पे घर ले लूँगी। मैंने ये आंसर किया था। बट मैं अगर मेरे को इतना अच्छा मेरे करियर को ऑप्शन मिलेगा तो मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, क्विट नहीं करूँगी। थर्डली ये भी क्वेश्चन किया गया था कि मैं प्रेजेंटली जॉब क्यों छोड़ रही हूँ, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटली अगर आप लोग कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं, आपको रीज़न देना है। सेकेंडली जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं जिस भी स्कूल के अंदर, उसकी बुराई आप दूसरे स्कूल के सामने कभी भी नहीं करेंगे, ये आपके नेगेटिव इम्पैक्ट में होता है। क्योंकि ये होता है कि अगर आप अपने पुराने स्कूल की बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब आगे जाके आप एयरफोर्स की भी बुराई करेंगे, है ना। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं वहाँ की कभी भी आप बुराई मत करिएगा। आप बोल सकते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए या एयरफोर्स स्कूल में मैं हमेशा से मेरा ड्रीम था वर्क करने का, मैं यहाँ पे अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो जो भी चीज़ें आप बोलें, पर नेगेटिव चीज़ नहीं बोली अपने स्कूल की। देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि वो सारे क्वेश्चनिंग आपसे करेंगे, तो आपको बहुत डीपली पढ़ के जाना है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं। वहाँ पे बोर्ड भी होता है रूम में, तो जनरली अगर बच्चे होंगे तो क्लास में भी डेमो हो सकता है, अदरवाइज वही आपको क्या करेंगे, उस वाइट बोर्ड पे क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह कुछ करा के देख लेंगे, कोई भी क्वेश्चनिंग करनी होगी तो आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चनिंग की जाएगी, सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा रहेगा, रीज़न ऑफ लीविंग प्रेजेंट जॉब, आप प्रेजेंटली जॉब क्यों छोड़ रहे हैं ये भी पूछा जाएगा, और बाकी के क्वेश्चंस आपका मैंने मतलब यही, मुझसे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई थी, यही थी 3-4 क्वेश्चंस उनमें। हाँ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मुझसे 4-5 क्वेश्चंस, तब कोई सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने प्रेजेंट स्कूल में निभा रहे हैं, क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी क्लासेस आप पढ़ा सकते हैं, कौन सी क्लास का कौन सा टॉपिक आप डेमो कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जनरली पूछी, एक्चुअली कुरेद की क्वेश्चनिंग होती है, तो इसीलिए डू नॉट लाए, बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं ना, वो आप लोगों के झूठ एकदम से पकड़ लेते हैं, इसलिए जो भी हो सच सच बोल दीजिएगा, बाकी गॉड के हाथ में, होना ना होना, बट येस अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है वर्क करने का, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल भी वर्क करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी वर्क कर रही थी और मेरे घर के पास स्कूल था, इस वजह से मैंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था, एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन DSSSB, तो मेरा लक कहीं और था, बट आप लोग डेफिनेटली ट्राई करिएगा, अगर कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काम आएगा। लेकिन जब परमानेंट वैकेंसीज निकलेंगी आप उसको भी फिल करिएगा, तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर यहाँ पे वर्क कर चुके हैं तो अगर परमानेंट आगे आएगी तो आप लोगों को प्रेफरेंस ज़रूर दी जाती है। बट येस एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो एयरफोर्स के एम्प्लॉयज़, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो एयरफोर्स का, जैसे एयरफोर्स स्कूल में आपका कोई ऑफिशियल है, उसकी चाची की बेटी, मामा की बेटी, उसकी उनकी वाइफ हो गई, उनकी बहन हो गई, मतलब इन ये बेटी हो गई, तो ये सारे रिलेशंस जो होते हैं वहाँ पे प्रेफरेंस आर्मी में भी दिए जाते हैं और एयरफोर्स स्कूल में भी दिए जाते हैं। ये दिस इज़ द ट्रूथ, मैंने आपको बता दिया जो जनरली कोई नहीं बताता है, बट ये दिया जाता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी। जान पहचान वहाँ पे बहुत चलती है, अगर आपका कोई रिलेटिव एयरफोर्स स्कूल में है तो आप लोगों को डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।